हेलो हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें क्वेश्चन है कि श्रिंकेज लिमिट। पहली बात, श्रिंकेज लिमिट जो होता है ना, उसके ऊपर हमेशा सैचुरेटेड रहेगा, और उसके नीचे अगर मॉइस्चर कम भी होगा तभी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा। पहली चीज, श्रिंकेज लिमिट के ऊपर हमेशा सैचुरेटेड रहेगा, श्रिंकेज लिमिट से नीचे अगर वॉल्यूम मॉइस्चर कम भी करेंगे तब भी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। सॉइल इज स्टिल फुली सैचुरेटेड एट श्रिंकेज लिमिट, सही बात है। श्रिंकेज लिमिट कॉज बाय कैपिलरी फोर्स डेवलप इन वर्ड्स एज द कोहेसिव लॉस लॉसेज मॉइस्चर, ये भी सही बात है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 24 mm रीडिंग है 23 डिग्री टेम्परेचर पर, 0.1। अब इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि मेनिस्कस रीडिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्पर्सन हमेशा निगेटिव होगी, और अगर ये टेम्परेचर 27 से कम है तो निगेटिव होगी, 27 ज़्यादा तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये हो गया, फिर से बोला, मेनिस्कस पॉजिटिव, मेनिस्कस में क्या हो जाएगा, मेनिस्कस में पॉजिटिव हो गया, मेनिस्कस पॉजिटिव, डिस्पर्सन निगेटिव, और टेम्परेचर 27 से कम है तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा का आंसर सी है, फाइन ग्रेंड वाटर कंटेंट होगा, साइज हो, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग सिर्फ और सिर्फ सैंड में होता है, ठीक है, इंटरलॉकिंग सैंड में होता है, एडिशन के भी वजह से भी होगा, ठीक है। चौथा, चौथा भी कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेस पाथ जो होता है, स्ट्रेस पाथ में ये देखो, पी की वैल्यू होगा Q1 + Q2/3, क्यू की वैल्यू σ1 - σ3/2, पी सम का एवरेज, क्यू डिफरेंस का एवरेज, ठीक है। फिर फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, टेन स्क्वायर थीटा के इसका, टेन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, टेन सॉरी टेन स्क्वायर हो जाएगा तुमको 1 + sin 5 वो वाला, ठीक है, 45 को ये बैलेंस कर लेगा, ठीक है, ये हो गया। अब पांचवा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पांचवा आंसर जो है डी, मतलब सब पे डिपेंड, टाइप, स्टेज, विड्थ और मेथड, मेथड कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन में, कंप्रेशन ऑफ क्ले, कंप्रेशन ऑफ क्ले क्या है, एक्सप्लोशन और डबल लेयर, इसकी वजह से भी होगा, स्लिपिंग की वजह से भी होगा, बेंडिंग की वजह से, तो तीनों का तीनों सही, मतलब इसका आंसर होगा सिक्स, आंसर होगा डी। सातवां, सातवां में क्वेश्चन में होगा, इसको आप पता है, इसकी सिग्मा सैचुरेटेड, मैं सबसे पहले बात की वाटर है ना, वाटर में के ए मल्टीप्लाई नहीं करते, वाटर में के ए मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए वाटर पार्ट हटा दो, 18 - 9.81, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। अब ये गामा डब्ल्यू जो तुमने गलती किया, इसको स्क्वायर मान लो, स्क्वायर नहीं, ये भी ट्रेंगुलर बनेगा, मतलब जो इफेक्टिव होगा वो भी ट्रेंगुलर बनेगा, गामा डब्ल्यू भी ट्रेंगुलर, दोनों का एरिया निकाल के सम कर दो, आंसर खत्म, ठीक है। अब ये देखो कि सॉइल वाले में ना कि ए मल्टीप्लाई होगा, वाटर वाले में कि ए मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आठवां, आठवां सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट, डेल्टा एच का फॉर्मूला निकलता है, डेल्टा एच का फॉर्मूला पता है कि डेल्टा ई अपॉन 1 + E0, ठीक है, और ई नॉट की जगह पर क्या डालोगे तुम, ये यूज़ करेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं, ई नॉट का फॉर्मूला यहाँ देख लो, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ई नॉट अर्थ यह है ना, क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये भी यहाँ इससे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नौवा, नौवा क्वेश्चन सैचुरेटेड के लिए पता है, डिग्री ऑफ ग्रेविटी, अब ये देख लो, गामा सैचुरेटेड ये दे रखा है, ये एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, दो ही फॉर्मूला है, एक ये और एक एस इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा खत्म, ठीक है। दसवां, क्ले में वॉइड रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक इंटेंसिटी दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट दे रखा है, ठीक है, उसको करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 0.5 - 2.72, आंसर हो गया, आ जाएगा, ठीक है। अब इलेवन, इलेवन में सबसे पहले याद रखो कि इन सीटू का फॉर्मूला क्या होता है, इन सीटू यूनिट फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्वेश्चन में दे रखा है 9.91, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम दे रखा है तुमको, देखो वॉल्यूम के लिए सिर्फ वेट उसका तब मान लेंगे जब लिक्विड होता है, लिक्विड होता है सिर्फ उसका वॉल्यूम मान लेते हैं, बट वॉल्यूम के लिए क्या, जितना वेट दे रखा है डिवाइड बाई इसका गामा, गामा कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लो, यहाँ इसमें से इसको डिवाइड करके डिवाइड बाई, यहाँ से पहले गामा यहाँ से निकाले, सेंड का, सेंड का गामा के मदद से उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, बस खत्म। कॉन्सेप्ट यह सिंपल कॉन्सेप्ट, यूनिट पिकोमीटर फॉर्मूला की यूज कर नहीं करेंगे, यहाँ लिक्विड नहीं है, सेंड का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, इसलिए पिकोमीटर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बारहवां, बारहवा आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो कि अलर्ट 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 याद होंगे, ALT अलर्ट अलर्ट, AL upon capital A into T, AL into capital AL upon T, ठीक है, ये याद होना चाहिए, LN log LN upon H1 H2, ठीक है। अब एक तो याद हो कि H1 और H2 डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, एक्चुअल हाइट होता है, मतलब 10 और 30 लेंगे, ये नहीं कि 10 मीटर डिक्रीज होता है तो 10 मानेंगे, ठीक है, नहीं, एक्चुअल हाइट लेंगे, यानी कि 40 / 30 लेंगे, ये समझ में आएगा। एच पहली कॉन्सेप्ट AL upon AT होता है, ठीक है, AL upon AH2, दूसरा कॉन्सेप्ट H1 H2 क्या होता है, H1 और H2 क्या होता है, एक्चुअल एब्सोल्यूट हाइट होता है, ना कि डिफरेंस, ठीक है। तेरहवां, तेरहवां में देखो डिस्टेंस बिटवीन, अब दो वेलोसिटी होती है, फार्मूला पहले देखो, पहले फार्मूला होता है, अब निकाल क्या रहे हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला हैज गिवन फार्मूला, निकाल क्या रहे हैं, थिकनेस ऑफ अपर लेयर, थिकनेस ऑफ अपर लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, DC/2 होता है, रूट अंडर भी, अब पहली चीज की थिकनेस ऑफ ये पता है, रूट अंडर लेते हैं, पहली चीज रूट अंडर मत भूलना, V2 V1 क्या होता है, अपर रीजन और लोअर रीजन के वेलोसिटी, अपर रीजन हमेशा बड़ा वाला ज्यादा वेलोसिटी होगा, लोअर रीजन छोटा वाला होगा, ठीक है। डीसी क्या है, इसको ब्रेक डाउन डिस्टेंस बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड जियोफोन, सोर्स और जियोफोन के बोलते हैं, ठीक है। अगला, इनर, इनर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चौदहवा, चौदहवा का आंसर क्या है कि इस आउटर इनर जो दे रखा है ना, इसका इनसाइड क्लियरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो लोअर वाला वैल्यू होगा, क्योंकि इसके अपर लिमिट वापस दिया होता है, तो लोअर वैल्यू हमेशा हम लेंगे, ठीक है, लोअर वैल्यू हमेशा देंगे।
तो इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया खत्म। दोनों का डिफरेंस लेंगे लोअर वैल्यू, हमसे डी वन जो छोटा वाला वैल्यू है वो लेंगे, ठीक है। रिकवरी लेंथ में डिनोमिनेटर में हमेशा रिकवरी लेंगे, रिकवरी लेंथ में हमेशा वो लेंगे, ठीक है। एसपीटी, एसपीटी में क्या था करेक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला तुमको पता है, एन वन अपॉन 15 प्लस एन वन अपॉन माइनस एन वी का वैल्यू ही है, ठीक है, बस खत्म। सत्रहवां, सत्रहवां में ये देखो कि डेप्थ फैक्टर होता क्या है। डेप्थ फैक्टर ये होता है तो आपका डेप्थ ऑफ द हार्डेस्ट डाटा, डी हार्डेस्ट डाटा डेप्थ ऑफ कटबैक, फिर से बोल रहा हूँ, डेप्थ फैक्टर फॉर्मूला क्या था, हार्डेस्ट डाटा अपॉन कटबैक, और एस एन मतलब एच जो है ना एच में ऐसा कितना कट का डेप्थ है, दोनों एच निगेटिव होगा, ठीक है, दोनों से कॉरेस्पॉन्डिंग फिर बीटा निकालो। फिर बाइसेप्स में क्या होता है, ऑल दिस रिवर्स एक्सेप्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्वेशन इक्वेशन का यूज करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, ठीक है। पोटासियम रिच के लिए आफ्टर फेड ओवर कैल्शियम सोल्यूशन इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्ले कोर्थ इज प्लास्टिसियम सी का यूज करते हैं, इसका वाटर रेटर ज्यादा होता है, ठीक है। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर एच टू फेस होता है, फ्लोकुलेटेड एच टू से टेंडेंसी फ्लोकुल इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा तो फ्लोकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। पोटासियम रिच प्रेफर करेंगे कैल्शियम पे, ठीक है, बस खत्म।